एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बैंकर कपिल। मैं परीधि जैन आपको आज इस वीडियो में ये बताऊंगी कि कैसे हमें नाबार्ड की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करनी, क्योंकि काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स को इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ये फॉर्म फिलिंग आपको ऑनलाइन करनी है। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि सबसे पहले हम कहाँ पर जाएंगे, तो आपको नाबार्ड की वेबसाइट यहाँ पर ओपन करनी है। ये आप URL यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद आपको करियर नोटिसेस में जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ दो जो अभी रिक्रूटमेंट आए हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, जैसे ये पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए RDBS राजभाषा सर्विस, तो एडवर्टाइजमेंट आप इसका यहाँ से देख सकते हैं। ये मैं प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई हेयर यहाँ पर क्लिक करना है। वैसे ही एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर दिया हुआ है कि 18th जुलाई आज से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है और क्लोजर होगा 7th अगस्त को। लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन, अगर आपको आपकी एप्लीकेशन प्रिंट करनी है, तो 23rd अगस्त लास्ट डेट है। ऑनलाइन फी पेमेंट आप कभी भी 18th जुलाई से 7th अगस्त के बीच कर सकते हैं। अब अगर आप न्यू कैंडिडेट है, तो आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी। तो यहाँ पर आने के पहले मैं आपको लेके चलती हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की तरफ, जो आपको पहले से कलेक्ट करके रखने हैं। उसके बाद आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करेंगे, तो आपको बीच में कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ एक एडवर्टाइजमेंट मैंने ओपन कर रखा है, इसमें हम देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई में इन्होंने लिखा है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर रजिस्ट्रेशन। आपको चार चीज़ें चाहिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के पहले। सबसे पहले आपको अपना फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए विथ ब्लैक इंक, ब्लैक इंक से सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से, और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए वाइट पेपर पे विथ ब्लैक इंक। टेक्स्ट यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, इसमें बिल्कुल केयरफुली कीजिएगा, क्योंकि कई बार एस्पायरेंट्स जो है वो ब्लैक की जगह ब्लू, ब्लू की जगह ब्लैक कर देते हैं, जहाँ कैपिटल लिखना था वहाँ स्मॉल लिख देते हैं, और ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक फॉर्म फिलिंग में कर देते हैं, जिसके कारण बाद में आपको दिक्कत आती है। तो ये सब बहुत ध्यान से आप देखिएगा, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो जो आपको सिग्नेचर है वो ब्लैक इंक पेन से ही करनी है, और नॉर्मल आपकी रनिंग सिग्नेचर करनी है, उसमें कैपिटल लेटर्स नहीं होने चाहिए। जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आप देंगे वो आप वाइट पेपर से, इसमें आप कोई सी भी इंक यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक या ब्लू, लेकिन वो स्मज्ड नहीं होना चाहिए, वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। अगर किसी कैंडिडेट के पास लेफ्ट थंब नहीं है, तो वो उनका राइट थंब यूज़ कर सकते हैं। इसमें हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी होता है, वो आपको एक वाइट कलर के पेपर पे ब्लैक इंक से खुद के हाथों से लिखना है। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको क्या लिखना है, आई फिर नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका नाम लिखना है पूरा। हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये एज इट इज आपको एक वाइट कलर के पेपर पे ब्लैक कलर की इंक से लिखना है। ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा, ये आपकी खुद की राइटिंग में होना चाहिए और सिर्फ इंग्लिश में होना चाहिए। आपको एज इट इज़ जो फोर्थ पॉइंट में दिया हुआ है वो कॉपी करना है। उसके बाद आपको अपनी एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर साथ में रखना है, जो आने वाले 1 से 2 साल तक आपका चालू रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई ऐसा मोबाइल नंबर दे दें जो बाद में आप बंद कर दें, या कोई ऐसी ईमेल आईडी दे दें जो आपके, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, न्यू एस्पायरेंट्स रहते हैं वो अपने मदर फादर की ईमेल आईडी यूज़ करते हैं, लेकिन उनकी खुद की ईमेल आईडी नहीं होती। तो ऐसे में आप खुद की पहले ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए। आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये वैलिड होना चाहिए पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान। और उसके बाद आपको इन दोनों को रेडी रखना है, क्योंकि जितनी भी डिटेल्स होंगी फ्यूचर में रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ही आएंगी। अब फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन एंड अपलोड की प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। उस केस में जब सिग्नेचर या फेस जो है फोटोग्राफ पे वो अनक्लियर होगा, तो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट भी हो सकती है। इसीलिए फोटोग्राफ एकदम रीसेंट होना चाहिए आपका, और बहुत ही क्लियर होना चाहिए, और सिग्नेचर भी क्लियर होनी चाहिए। और जो यहाँ पर आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे, वहाँ पर प्रोसेस के टाइम, एग्ज़ाम के टाइम, जितनी भी बार आप सिग्नेचर करेंगे वो मैच होनी चाहिए।
आप एडिट कर सकते हैं एप्लीकेशन को, रीलोड कर सकते हैं फोटोग्राफ या सिग्नेचर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो अपलोड किया है वो ब्लर है या उतना क्लैरिटी नहीं है उसमें, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। अब फोटोग्राफ इमेज के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। फोटोग्राफ रीसेंट, पासपोर्ट साइज, कलर पिक्चर होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए, जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए या लाइट कलर का होना चाहिए। इसमें ये एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर आप फ्लैश यूज़ कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि आपके जो आईज है उसमें रेडनेस ना शो हो। अगर आप ग्लासेस वेयर करते हैं तो उसमें रिफ्लेक्शन शो नहीं होना चाहिए, आपकी आईज क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। कैप्स, हेड्स और डार्क ग्लासेस एक्सेप्टेबल नहीं है। डायमेंशन इसमें लिखे हुए हैं, साइज जो है फाइल का वो 20KB से 50KB होना चाहिए। तो प्रोसेस चालू करें जब आप फॉर्म फिलिंग की, तो पहले से ये सारी चीज़ें इंश्योर कर लें कि आपका जो फोटोग्राफ है उसका साइज 20KB से 50KB होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसका रेजोल्यूशन कम करके उसे चेंज कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि फोटो की जगह ही फोटो अपलोड होना चाहिए और सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर अपलोड होनी चाहिए। अगर फोटो की प्लेस में सिग्नेचर और सिग्नेचर की प्लेस में फोटो अपलोड हो गया गलती से तो आपको एग्जाम में अपीयर होने नहीं दिया जाएगा, तो इसका आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उसके बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेजेस के बारे में एक एक बार देख लेते हैं हम। एप्लीकेंट हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक पेन। आपको वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से ही साइन करना है। इसका डायमेंशन यहाँ पर दिया हुआ है, फाइल की साइज 10KB से 20KB होनी चाहिए सिग्नेचर के लिए और 20KB से 50KB होनी चाहिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए। एप्लीकेंट हैज़ टू पुट हिज लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन अ वाइट पेपर विथ ब्लैक और ब्लू इंक। जो आपको थंब इम्प्रेशन देना है उससे वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक कुछ भी चलेगा, लेकिन उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर वो ब्लर आ रहा है तो आप उसको एक बार अच्छे से थंब इम्प्रेशन दीजिएगा। फाइल की साइज इसमें 20KB से 50KB होनी चाहिए। उसके बाद जो डिक्लेरेशन है वो सिर्फ इंग्लिश में लिखा जाएगा वाइट पेपर पे ब्लैक कलर के इंक पेन से, याद रखिएगा ब्लैक इंक पेन। फाइल की जो साइज़ है वो 50KB से 100KB के बीच हो सकती है। तो ये जो साइज़ है आप पहले से सारी रखिएगा। फाइल का टाइप सब में JPG लिखा हुआ है। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये सब एप्लीकेंट का होना चाहिए, किसी अदर पर्सन का नहीं, ये आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ जो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि सिग्नेचर या हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो कैपिटल लेटर्स में अलाउड नहीं है। सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपकी जो रनिंग हैंड राइटिंग है उसी में आपको करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, ये सब आप रेडी रखिएगा। अब हम फॉर्म फिलिंग देखते हैं कि कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नेम से। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको लिखना है। जैसे मेरा नेम है परिधि जैन, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम में मैं परिधि लिखूंगी और उसके बाद आपको कंफर्म भी करना है, फर्स्ट नेम आपको कंफर्म करना है। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आपको मिडिल नेम लिखना है, नहीं तो आपको उसे छोड़ देना है। उसके बाद जो भी रेड कलर से मार्क है वो कंपलसरी है, वो आपको फिल करना है। किसी किसी का लास्ट नेम नहीं होता है इसीलिए यहाँ पर वो कंपल्शन नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम लिखना है। जैसे ही आप अपना नेम लिखेंगे तो ये अपीयर हो जाएगा यहाँ पर फुल नेम में। ये एक बार ध्यान से पढ़िएगा कि नेम एंटर्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुड मैच एग्जैक्टली विद द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट, फोटो, आईडी एक्सेट्रा टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। यू विल बी डिबार्ड फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी और डिफरेंस इन द नेम एंटर्ड बाय यू इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द नेम प्रिंटेड इन द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। However, only 35 characters will be printed in your call letter. Any request for subsequent changes, consideration regarding any changes will not be entertained. एक बार मुझे एक aspirant ने एक doubt पूछा था कि उनका जो नाम है आधार कार्ड में उसमें सरनेम पहले लिखा हुआ है और नेम बाद में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम में क्या लिखना है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ पर जब आप फुल नेम लिखेंगे तो जो आपने लास्ट नेम में लिखा है वो लास्ट में शो होगा और जो फर्स्ट नेम में लिखा है वो फर्स्ट में शो होगा, और जो यहाँ पर शो हो रहा है एज इट इज़ आपके आधार कार्ड में शो होना चाहिए। तो अगर आपका लास्ट नेम सरनेम जो है वो पहले लिखा है आधार कार्ड में तो वो आपको फर्स्ट नेम में ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर देखें तो मोबाइल नंबर हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं रैंडम नंबर लिख देती हूँ, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर कंफर्म भी करना है। आपका ये मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए और वो होना चाहिए जो आपका हमेशा वैलिड रहे।
उसके बाद आपको एक ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी लिखना है, यहाँ पर आप अपने किसी का पेरेंट्स का भी नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ईमेल आईडी लिखनी है, तो जैसे हमारी ईमेल आईडी है bankercouple14@gmail.com, तो bankercouple14 में यहाँ पर लिखूंगी। और उसके बाद यहाँ डोमेन नेम में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं gmail.com, यहाँ पर आपको सेम ईमेल आईडी कंफर्म करनी है, तो यहाँ पर आपको ये पूरा कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी कोड लिख के आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे उसके बाद आपका आ जाएगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वैलिड होगा ओनली व्हेन एप्लीकेशन फी एंड इंटीमेशन चार्जेस आर पेड एंड योर कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पासवर्ड है, आप इमीडिएटली उसे नोट कर लीजिएगा। वैसे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मेल पे और आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, लेकिन इसे फिर भी आप नोट करके रखिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर अब फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसकी गाइडलाइंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो अब देखते हैं यहाँ पर हम फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर मेरा फोटोग्राफ ओपन किया, देखिए ये यहाँ पर शो हो गया। क्यों? क्योंकि इसका रेजोल्यूशन जो है बिल्कुल परफेक्ट मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा है। अब मैं यहाँ कंफर्म करूँगी कि दैट दिस इज माय वैलिड फोटो एंड आल्सो एग्री टू अबाउ मेंशन नोट। उसके बाद यहाँ पर हम सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो सिग्नेचर यहाँ पर मैंने ये अपलोड कर दी अपनी। उसके बाद इसे भी मैं कन्फर्म करूँगी। ये दोनों प्रोसेस कम्प्लीट होने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पे जाएंगे और अब यहाँ पर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको पोस्ट फिल करना है, जैसे हम यहाँ RDBS के लिए फिल कर रहे हैं तो ये इसके लिए कर सकते हैं। अगर आप राजभाषा के लिए कर रहे हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है। फिर किस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर सारे आ जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। जैसे मैंने जनरल के लिए किया या फिर मैंने किसी के लिए भी आप कर सकते हैं, मैं जनरल के लिए कर रही हूँ। फिर कैटेगरी में आप यहाँ पर जो भी कैटेगरी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे बिल्कुल ध्यान से करिएगा, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप OBC हैं बट क्रीमी लेयर में आ रहे हैं और इफ़ देयर कास्ट डज नॉट फाइंड प्लेस इन द सेंट्रल लिस्ट, तो कास्ट नेम मेंशन इन सर्टिफिकेट शुड टेली लेटर बाय लेटर विद सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट नोटिफिकेशन आर नॉट एंटाइटल टू OBC रिजर्वेशन। तो उन्हें अनरिजर्व ही फिल करना होगा। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में तो आप OBC कर सकते हैं। और आप अगर कुछ भी फिल कर रहे हैं, चाहे EWS हो, OBC हो, ST हो, SC हो, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है, इसीलिए ये सब चीज़ों का फॉर्म फिलिंग के टाइम बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप भले ही ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो इसमें है लेकिन उसकी कोई वैकेंसी नहीं है वहाँ पर, तो फिर आपको अनरिजर्व कैटेगरी से ही फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद आर यू पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, अगर आप हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। जब अगर आप यस करेंगे तो आपका डिसेबिलिटी कैटेगरी सब कुछ आ जाएगा, तो ये आपको उस केस में भरना है अगर आप इसमें हैं, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाएगी। उसके बाद हम सीधे आते हैं यहाँ पर रिलीजन टू विच यू बिलोंग। तो यहाँ पर आपका जो भी रिलीजन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो भी है यस या नो आप कर सकते हैं, मैं करती हूँ इसलिए मैं यहाँ यस कर रही हूँ। उसके बाद डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट, ये उन केस में आएगा जब आप अनरिजर्व नहीं हैं। डू यू हैव इनकम और असेट सर्टिफिकेट, अगर आप EWS से हैं तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पर आप जो भी आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आर यू अ चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 रियॉर्ड्स, तो इसमें तो नो आएगा। आर यू एम्प्लॉय ऑफ NABARD, अगर आप ऑलरेडी NABARD में हैं किसी और पोस्ट पे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर करना है। अगर हैं तो आपको नीचे अपना स्टाफ नंबर लिखना है। नेशनैलिटी और सिटीजनशिप में ऑलरेडी इंडियन दिया हुआ है। स्टेट टू विच एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग, आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर लिखना है। जैसे यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश लिख रही हूँ। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सेंटर यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप कुछ भी सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं अपना रैंडम ले लेती हूँ, या फिर मैं तो अभी एलिजिबल हूँ लेकिन मैं ये फॉर्म फिल नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर कर रही हूँ फॉर्म फिलिंग। तो यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद जो जेंडर है आपका वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एक और चीज़ NABARD ने पूछी, डू यू हैव ट्विन ब्रदर और सिस्टर, तो यहाँ पर जो भी अगर आपका है तो आपको यस लिखना है। उसके बाद उनका जेंडर लिखना है, उनका नेम लिखना है।
तो मेरा नहीं, तो मैं नो लिख रही हूँ। मैरिटल स्टेटस में आपको जो भी स्टेटस है वो लिखना है। यहाँ पर आपको फादर्स नेम मदर्स नेम कंपल्सरी है, देन एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस एंड एड्रेस परमानेंट एड्रेस। इसमें काफ़ी सारे एस्पायरेंट को बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में मान लीजिए अभी आप जहाँ पर भी रह रहे हैं, अगर आप आने वाले एक साल तक जब तक इसकी प्रोसेस चल रही है अगर आप वहीं रहने वाले हैं तो एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में आप वो एड्रेस लिख सकते हैं, नहीं तो आप एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में अपना परमानेंट एड्रेस भी डाल सकते हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में तो आप वही एड्रेस डालिएगा जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं, आने वाले 3-4 साल तक आप अगर वहीं रहेंगे तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस वाले को भी परमानेंट में डाल सकते हैं, या परमानेंट आपका जो भी होम टाउन है आप वो वाला एड्रेस भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद चूज़ द एड्रेस टू फॉर GST इनवॉइसिंग, तो यहाँ पर आप चूज़ कर लीजिएगा कि आपको कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है या परमानेंट एड्रेस डालना है, और उसके बाद आप क्लिक करेंगे वैलिडेट योर डिटेल्स पे। जैसे ही आप वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे वहाँ वेरीफाइड सक्सेसफुली करके आ जाएगा। उसके बाद हमें जाना है यहाँ दूसरे वाले पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसेस लैंग्वेजेस पे। अब ये आ जाएगा क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपका क्या बैचलर्स डिग्री है, तो किसमें है। जैसे मान लीजिए मैंने इंजीनियरिंग की है, लेकिन यहाँ तो इंजीनियरिंग का ऑप्शन नहीं है, तो मैं अदर्स करके यहाँ पर अपना डिग्री लिख सकती हूँ। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर लिखना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिखना है, और क्लास या ग्रेड क्या है वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपने कुछ की है तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको लिखना है डेट ऑफ पासिंग, मतलब जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट पर जो डेट ऑफ पासिंग है वो आपको यहाँ लिखनी है। लेकिन इन केस अगर आपका नहीं आया अभी तक, अगर मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं आया, तो यहाँ पर ऊपर नोट करके लिखा हुआ है द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपियरिंग ऑन द मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। इन केस रिजल्ट जो है पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का वो पोस्ट हुआ है वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी पे, तो सर्टिफिकेट इशूड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी इंडिकेटिंग द डेट ऑन विच द रिजल्ट वॉज पोस्टेड ऑन द वेबसाइट विल बी टेकन एज द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। वो आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले सकते हैं, जो भी उन्होंने सर्टिफिकेट इशू करेगी वो अथॉरिटी कि आपने इस दिन रिजल्ट पोस्ट किया था, तो उसे आप अपना डेट ऑफ पासिंग मान सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, अगर आपने कोई भी डिग्री की हुई है, अगर डिप्लोमा किया है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास जैसे CA, CS, ICWA, PhD तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं पहले आपने जॉब की है, तो आपको अपने एम्प्लॉयर का नाम लिखना है। सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना है कि आप प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यस और नो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने एम्प्लॉयर का नाम, आपका डेजिग्नेशन, कब आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग था, आपने कब तक काम किया, आपकी नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या थी, रीज़न ऑफ लीविंग क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी या ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हैं, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लिखना है। उसके बाद ऐड मोर करके आपको, अगर आपने 2-3 जगह काम किया है तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद लैंग्वेजेस नोन में आपको जो भी लैंग्वेज आती है जैसे इंग्लिश में रीड राइट स्पीक, हिंदी में रीड राइट स्पीक, ऐसे आपको टिक करना है आपको जितनी भी लैंग्वेजेस आती है। और उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स में जाके इसको यहाँ पर क्लिक करना है। अब ये मैंने अभी फिल नहीं किया इसीलिए ऐसे दिखा रहा है, मैं आपको ये फिल करके अगली स्टेप पर लेके चलती हूँ। अब हम सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए ये पूरा मेरा जो एप्लीकेशन है यहाँ पर शो हो रहा है, ये प्रीव्यू है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का। जैसे मैंने जितनी भी फिल किए, ये मैंने एक सैम्पल फिल किया हुआ आपको दिखाने के लिए, तो ये यहाँ पर उसका प्रीव्यू है। जैसे ही मैं आई एग्री पे जाऊँगी और कम्प्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगी, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि ऑन कम्प्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंजेस ऑफ डेटा ऑलरेडी एंटर्ड विल बी परमिटेड। उसके बाद आप यहाँ ओके जैसे ही करेंगे, आर यू श्योर टू कंटिन्यू, ओके पे क्लिक करेंगे, तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। ये है हैंड रिटन डिक्लेरेशन और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसका मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक सैम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा आपका। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इस तरीके से आपको अपलोड करना है, इसका साइज आप ध्यान में रखिएगा, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो इस तरीके से होगा।
तो यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका होगा। और जैसे ही आप यहाँ दोनों अपलोड करके सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको फाइनल पेमेंट पेज पे वहाँ पर पहुँच जाएंगे आप, और फिर पेमेंट करके आप अपनी फाइनल एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरी फॉर्म फिलिंग कंप्लीट करनी है। अगर आपको इसमें कोई भी और डाउट हो तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट में पूछ लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ बहुत केयरफुली फॉर्म फिलिंग कीजिएगा, स्पेशली वो एस्पायरेंट्स जो फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग जो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं उन्हें तो आइडिया होता है कि कैसे फॉर्म फिलिंग होती है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो इसमें बहुत ध्यान रखिएगा। और स्पेशली ये सारी चीज़ों का कि कौन सा इंक पेन यूज़ करना है, ब्लैक या ब्लू, इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।